नेपाल सीमा से 5 लाख रुपए की नशीली दवाओं की खेप बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 5 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप के साथ 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 8 बोरी नशीली दवा बरामद करते हुए स्थानीय पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित नौतनवा थाना क्षेत्र के संपत्ति चौकी के समीप वाहनों की सघन चेकिंग चल रही थी। इसी बीच चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त के पास से लगभग 5 लाख रुपये की नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। पकड़े गए आरोपी ब्रजेश कुमार चौबे निवासी सिकरी बाजार थाना मोहना जनपद सिद्धार्थनगर, राहुल उर्फ बुद्धि सागर यादव निवासी तिघरा थाना मोहना जनपद सिद्धार्थनगर, जावेद लारी निवासी वार्ड नंबर 5 अंबेडकर नगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज, अनिल धरिकार निवासी वार्ड नंबर 19 सुभाष नगर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर संपत्तियां तिवराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 बोरी नशे के लिए उपयोग में आने वाली दवाइयां, कोडिन सिरप 1492 पीस, ट्राइमाडोल कैप्सूल 720 पीस, नाइट्राजामापाम 300 टैबलेट, नाइट्रामाडोल टैबलेट 10,440 पीस बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाना नौतनवा पुलिस द्वारा संपत्तियां चौराहे के पास से 4 युवकों को कुछ प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। संबंधित युवकों के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।